हेलो फ्रेंड्स, आशीष हियर फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 6i में नेटिव वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, यानी कि विदाउट कोई ऐप। अगर आपके फोन या सिम पे VLT का सपोर्ट है तो आप नेटिव वीडियो कॉलिंग कर सकते हो सिर्फ एक कैमरा आइकन दबा के। तो उसको मैं दिखाऊंगा। ये डेमो मैं जिसपे दिखा रहा हूँ, मेरे पास जियो का सिम है, सामने वाले के पास भी जियो का सिम है, VLT का सपोर्ट है दोनों पे, तो ये डेमो काम करेगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। तो आपको अपना फोन का ऐप लॉन्च करना है, फुल डिटेल में जाना है। यहाँ फुल डिटेल का मतलब है इस तरह का व्यू आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे आप कॉल, मैसेज और एक वीडियो कॉलिंग का आइकन है, आपको उसको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका वीडियो ऑन हो जाएगा और सामने वाले की तरफ कॉल जाए। तो देख सकते हैं कि वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई है। आपको साथ ही साथ कंट्रोल मिलते हैं अपने इस पे। आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो टैप करके, माइक्रोफोन का जो है कंट्रोल है आपके पास। कैमरा आप चाहे तो अपना बंद कर सकते हो या चालू कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। और आप चाहे तो और भी लोगों को ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने एक नॉर्मल कॉल लगाया है और आप उसको वीडियो कॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या एक वीडियो कॉल को नॉर्मल कॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ एक कंट्रोल मिलेगा आपको जिसपे लिखा है वॉइस, आप उसको टैप करो और ये नॉर्मल कॉलिंग होगी। अब मान लीजिए आपको इसको एक वीडियो कॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, इस वीडियो का आइकन के टैप करिए, सामने वाले के पास जाएगा एक रिक्वेस्ट। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा कनेक्शन बैठेगा और सामने वाले का वीडियो दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका नेटिव वीडियो कॉलिंग का तरीका, आप कैसे कर सकते हो। और चाहो तो आप ऊपर एक फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा के बीच में स्विच करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक नेटिव वीडियो कॉलिंग कर सकते हो अपनी Realme 6i में। ध्यान रखिएगा ऑडियो रिकॉर्ड होता है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। सो ओवरऑल एक कॉन्वर्सेशन आपका समझ में आ जाएगा आप जब भी करोगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, काम का लगा हो, आपको लगता है कि इसको करके आपने एक नई चीज सीखी, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।